प्रिय विद्यार्थियों, प्रीवियस लेक्चर में हमने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की शुरुआत की थी और सरल रेखीय गति में वेग एवं त्वरण क्या होते हैं उसकी जानकारी प्राप्त की थी। कुछ एग्जांपल्स हमने उस लेक्चर में किए थे, आज कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द लॉ ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ वी टी, देन प्रूव दैट द एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट। मतलब यदि सरल रेखा में गति का नियम x इज इक्वल टू हाफ ऑफ वी टी हो तो सिद्ध कीजिए कि त्वरण अचर होगा। दिया हुआ है x इज इक्वल टू हाफ ऑफ वी टी, इसको इस तरह लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 2x अपॉन टी। v मीन्स dx बाई dt। नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो हमारे पास dx अपॉन x इज इक्वल टू 2dt बाई t बचता है। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स वी गेट log x इज इक्वल टू 2 log t प्लस log c और x इक्वल टू सी टी स्क्वायर। अब हमें त्वरण पूछा गया है और त्वरण था x डबल डॉट यानी डी टू एक्स बाई डी टी टू। तो इस समीकरण को दो बार t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास पहले एक अवकलन से डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 2 सी टी प्राप्त होगा और जब दोबारा अवकलन करेंगे तो डी टू एक्स बाई डी टी टू 2 सी प्राप्त होता है। डी टू एक्स बाई डी टी टू ही त्वरण है और 2 सी यानी कांस्टेंट, तो त्वरण हमें अचर प्राप्त होता है और यही हमें ज्ञात करना था। एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न है, इफ टाइम टी बी रिगार्डेड एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी वी, प्रूव दैट द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन बाय एफ क्यू डी टू टी बाय। यानी यदि समय t को वेग v का फलन माना जाए तो सिद्ध कीजिए कि त्वरण f के घटने की दर f क्यूब इंटू डी टू टी अपॉन डी वी टू से प्राप्त होती है। अब यहाँ t को वेलोसिटी v का फलन कहा है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ v। त्वरण ज्ञात करने के लिए हमें dv बाई dt चाहिए, इसलिए हम इस समीकरण को v के सापेक्ष अवकलन करें तो हमारे पास आता है dt टी बाई डी वी इज इक्वल टू एफ डैश वी। डी टी बाई डी वी कैन बी राइट डाउन एज 1 अपॉन f, वेयर f इज एक्सेलरेशन। डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू v, यानी एक बार और v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमें प्राप्त होता है डी टू टी अपॉन डी वी टू इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन f स्क्वायर डी एफ अपॉन टी वी। और डी एफ अपॉन डी वी को हम इस तरह लिख सकते हैं, डी एफ बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी वी। डी टी बाई डी वी वंस अगेन रिप्लेस बाय 1 अपॉन एफ, सो वी हैव माइनस 1 अपॉन एफ स्क्वायर डी एफ बाई डी टी इंटू 1 अपॉन एफ और माइनस 1 अपॉन एफ क्यूब डी एफ बाई डी टी। यानी डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एफ क्यूब डी टू टी बाई डी वी टू। नेगेटिव डी एफ बाई डी टी इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन, यानी डी एफ बाई डी टी का माइनस चिन्ह में होना ही उसका रेट ऑफ डिक्रीज कहलाता है और यही हमें ज्ञात करना था। अब हम मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन यानी समतल में कण की गति के बारे में अध्ययन करेंगे। जब कण समतल में गतिमान होता है तो उसका गति पथ प्रायः एक वक्र होता है और इस स्थिति में समय के साथ साथ उसकी दिशा में भी परिवर्तन होता रहता है और ऐसे में उसकी गति वक्रीय होती है। यानी इस केस में हमें कर्विलीनियर मोशन प्राप्त होगा, यानी इस गति को हम वक्र रेखीय गति कहेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी निर्देशी अक्षों के समानांतर वेग एवं त्वरण क्या होते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ हमें मान लेते हैं कि जो कण है वो एक्स वाई प्लेन में गतिमान है और टी समय पर कण की स्थिति वक्र पर पी बिंदु पर है और टी प्लस डेल्टा टी समय पर कण की गति वक्र पर क्यू बिंदु पर है। पी के निर्देशांक एक्स वाई मान लेते हैं और क्यू के निर्देशांक एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा वाई। तो सबसे पहले वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष के समानांतर वेलोसिटी हमें ज्ञात करनी है, तो उसका तात्पर्य हुआ कि एक्स अक्ष के समानांतर विस्थापन में परिवर्तन की दर। चित्रानुसार हम देखते हैं कि एक्स अक्ष की तरफ विस्थापन डेल्टा एक्स होता है, तो परिभाषा अनुसार वेलोसिटी जो होगी वो होगी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी डी एक्स अपॉन डी टी, और इसको हम फिर एक्स डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली वेलोसिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। फिर परिभाषा लगाएं तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, इसको हम डी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं, और इसको फिर हम वाई डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हुई, यानी परिणामी वेग हुआ वी, और इसका मान हुआ रूट ऑफ एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। गति की दिशा ज्ञात करनी है, तो दिशा का फॉर्मूला हुआ वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट, यानी डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, जो कि डी वाई बाई डी एक्स के बराबर हुआ, और डी वाई बाई डी एक्स टेंशाई होता है। और चित्रानुसार हम ये देख सकते हैं कि जो वेग की दिशा होगी वो हमेशा पी पर स्पर्श रेखा के सापेक्ष होगी। इसी तरह एक्सेलरेशन के लिए हम देखें तो वेलोसिटी मान लेते हैं कि वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ पी बिंदु पर यू और वी हैं, और क्यू बिंदु पर यू प्लस डेल्टा यू एंड वी प्लस डेल्टा वी हैं। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस अर्थात रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर। तो सूत्रानुसार लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, इसको हम डी यू बाई डी टी लिख सकते हैं, और ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ एक्स डॉट, जो कि एक्स डबल डॉट के बराबर होगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस के समानांतर वेग में परिवर्तन की दर, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसको हम फिर इस तरह लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, और वी की वैल्यू रखें वाई डॉट, तो हमें वाई डबल डॉट प्राप्त होता है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यानी परिणामी त्वरण जो होगा वो होगा एफ बराबर रूट ऑफ एक्स डबल डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट का स्क्वायर। इसी तरह दिशा यानी डायरेक्शन अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू होगी वाई डबल डॉट अपॉन एक्स डबल डॉट, और अगर दिशा त्वरण की दिशा यदि x एक्सिस से थीटा कोण बनाए तो ये tan थीटा के बराबर होगा, और उस केस में हमें थीटा की वैल्यू प्राप्त होगी tan इनवर्स ऑफ y डबल डॉट अपॉन x डबल डॉट। एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पॉइंट इन ए प्लेन एट टाइम t आर गिवन बाय x इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी, y इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस कॉस टी, प्रूव दैट इट्स एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, ऑल्सो फाइंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एट टाइम t। यानी एक समतल में गतिमान कण के t समय पर निर्देशांक x इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी एंड y इज इक्वल टू a ऑफ 1 माइनस कॉस टी है। सिद्ध कीजिए कि उसका त्वरण अचर रहता है, और t समय पर उसकी गति की दिशा भी ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें दिया हुआ है x और y, और जब हम t के सापेक्ष इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आता है dx एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस टी एंड dy बाई डी टी इज इक्वल टू a ऑफ साइन टी। एक बार और t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें तो d2x टू एक्स बाई डी टी टू की वैल्यू आती है माइनस ए साइन टी एंड d2y टू वाई बाई डी टी टू की वैल्यू आती है ए कॉस टी। परिणामी त्वरण पार्टिकल का होगा रूट ऑफ d2x टू एक्स बाई डी टी टू प्लस d2y टू वाई बाई डी टी टू, दोनों की वैल्यूज़ जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें a प्राप्त होता है, जो कि कॉन्स्टेंट है। इसी तरह यदि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल मेक्स एंगल थीटा विद x एक्सिस एट टाइम t, यानी t समय पर यदि कण की गति की दिशा x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाए तो हमारे पास सूत्र होगा tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, और जब हम इन दोनों का मान रखते हैं a sin t अपॉन a ऑफ 1 प्लस cos t तो हमें tan t टू t बाई टू प्राप्त होता है, और तब हमें मिलता है थीटा इज इक्वल टू t बाई टू। यानी t समय पर कण की गति की जो दिशा है वो x अक्ष के साथ थीटा यानी t बाई टू कोण बनाती है।